हेलो दोस्तों, रॉय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद रॉय आप लोग के लिए आज सुपर फास्ट ट्रिक्स लेकर आए हैं मल्टीप्लिकेशन की। ऐसे नंबर की मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं जो सेकंडों में निकाला जा सकता है। बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन कई बार क्या होता है दोस्तों, 99 से मल्टीपल करने जा रहे हैं, 999 से कर रहे हैं, 49 से कर रहे हैं, 59 से, क्या होता है उसको काफ़ी टाइम हमारा सिंप्लीफिकेशन में वेस्ट हो जाता है। तो आज की जो मल्टीप्लिकेशन का हमारा फर्स्ट टाइप रहेगा, और भी इसकी कई सीरीज हम लेकर आएंगे, तो प्लीज़ कंसंट्रेट कर लीजिएगा टॉपिक को, तो अच्छे से आप निकालना सीख सकते हैं। किसी को भी बता सकते हैं, ऐसी ट्रिक्स है, दो से तीन सेकंड में किसी भी मल्टीपल कर सकते हैं, जैसे 999 है, 999 है, 4×9 है, ऐसे नंबर तमाम क्वेश्चन हम सेकंडों में निकालना सीखेंगे। तो यदि अभी तक आप लोगों ने यदि रॉय एजुकेशन चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जो आने वाले जितना भी नोटिफिकेशन है जो आपको समय से मिलता रहे। रोज़ 2-4 दिन के अंतराल पर हमारा वीडियो आता रहता है। बाकी हम लोगों ने ऐसे सिस्टम डेवलप किया है जिसके अंदर आपके मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, जीके, जीएस सब की वीडियो हम कमिंग डेज में लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक यदि रॉय एजुकेशन चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे एंड तक में तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए पहली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन लेकर जैसे देखते हैं, मान लीजिए हम मुझे मल्टीपल करना है, जैसे मान लीजिए 36 को मल्टीपल करना था 999 से, या मान लीजिए आपको ऐसे नंबर लेना है 315 है, मल्टीपल करना है 999 से। हम लोग ने बचपन में करते थे, या स्कूल लाइफ में, या जनरली जो इंस्टीट्यूट में कोचिंग क्लासेज में जो बताया जाता है, तो इसको एक तो तरीका ये होता है जो इस तरह से कहा जाता है, जो आप 1000 में से 1 को माइनस कर लीजिए, एक तो ये तरीका होता है, और इसको आप इसको पहले इससे मल्टीपल करके ये वाला चीज़ उसमें से माइनस कर लीजिए, एक तो कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा तरीका ये था जो हम लोग स्कूल लाइफ में करते थे, उस समय क्या करते थे, 315 को ना 999 से मल्टीपल कीजिए, पहले 9 से मल्टीपल कीजिए, फिर 9 से मल्टीपल कीजिए, इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक तीसरा मेथड भी होता है, यदि आपको यदि नेक्स्ट सीरीज दिखेगा जो कॉमन नंबर होता है उसके लिए मल्टीपल यदि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो कई बार क्या कहा जाता है, पहले इन दोनों को मल्टीपल कीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीपल कीजिए, फिर आपको तीनों को मल्टीपल कीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीपल कीजिए, तो इसमें भी आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, और इससे आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन निकल जाता है। लेकिन हम लोग ये सेकंड वीडियो लेकर आएंगे तब ये वाला मेथड आपको सिखाई जाएगी। चलिए आज हम लोग का टॉपिक है हमारा सुपर फास्ट मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन बाय 999, 999, 4×9, 5×10, ऐसे तमाम क्वेश्चन आप सेकेंडों में निकाल लीजिएगा, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, जैसे हमने 36×99 लिया है तो 36 को क्या करना है, एक कम कर लीजिएगा, 35 आ गया, ठीक है। बारी बारी से इसको माइनस कर लीजिएगा, तो 9 और 3 को माइनस कर लीजिए, 6 आएगा, इन दोनों को माइनस कर लीजिएगा, कितना आएगा, 9 में से 5 गया कितना आएगा, 4 आएगा। एक दूसरा क्वेश्चन और भी लेकर देखते हैं, जैसे मान लीजिए 85 को मल्टीपल करना है 999 से, करना 99 ही ले लेते अभी, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ एक कम करना है, जैसे 85 है ना, एक कम कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा, 84 आ रहे हैं, और इस 9 को 84 से माइनस कर लीजिए 1 आएगा, इस 9 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 5, 84 क्या आएगा, 15 आ जाएगा। मतलब 9 कितने टाइम से भी ले सकते हैं, 9 आप कितने टाइम से भी ले सकते हैं, बशर्ते नंबर छोटा होना चाहिए, 9 आपका जितने टाइम से वो ले सकते हैं। अब एक तीसरा एग्जांपल देख लीजिए जो छोटा सा आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, जैसे मान लीजिए हम तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए 35×999 लेकर चलते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या बताया, इसको एक कम कर लीजिएगा तो 34 आएगा, लेकिन इसमें नंबर कितना है दोस्तों, देखिए 1, 2, 3 नंबर है, मतलब 3 है, तो इसमें एक जीरो डाल दीजिएगा, मतलब 3 नंबर उसके बराबर बनाना होता है। यदि ये 4×9 होता है, ये 2 ही अंक है, तो 2 जीरो इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। अब वही रूल लगाइए, इसमें से माइनस करके देखें, 9 आएगा, इसको इससे माइनस कर लीजिए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसको इससे माइनस कर लीजिए कितना आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देखें, चौथा एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 63 है, 99999 से मल्टीपल करना है, क्या करना है दोस्तों, मैंने क्या बताया 63 है तो एक नंबर कम करना है आपको, तो 62 कर लीजिएगा। इसमें 9 हमारा कितना, 4×9 है 9, तो 4×9 है तो इसको 4 डिजिट बना लीजिए, मतलब 2 जीरो इसमें लगा लीजिए, 2 जीरो लगाएंगे तो इस 9 को इससे माइनस कर लीजिए, तो 9 आएगा, इसको इससे माइनस कर लीजिए कितना आ रहा है हमारा, 9 आ रहा है, इसको इससे माइनस कर लीजिए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसको इससे माइनस कर लीजिए कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस तरह से आप 9 वाला मल्टीपल कर सकते हैं। ये तो हमने देखा 2 डिजिट और 999।
अब इसके आगे भी नंबर ले सकते हैं आप, जैसे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग, जैसे 125 है मल्टीपल करना है 999 से। अब देखिए सेकेंडों में निकल जाएगा, क्या करेंगे हम लोग 125 को क्या करना है, 124 करना है। आगे के काम मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, जो नंबर है दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये वाले रूल, ये वाला ट्रिक, सुपर फास्ट ट्रिक्स उसी मेथड में लगाएंगे जब मल्टीपल किससे करना होगा मुझे, 999999, 4 times, 5 times, 6 times, किसी भी नंबर को इतने बड़े बड़े नंबर से मल्टीपल करना है तभी आप ये ट्रिक्स लगाएंगे। दोबारा बता देते हैं, ये ट्रिक्स, ये सुपर फास्ट ट्रिक्स उसी नंबर में लगेगा जिसको हम, मुझे 999 से मल्टीपल करना है, 999, 4 times, 6 times। नंबर क्या आना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नंबर में जो डिजिट है वो कम आना चाहिए। यदि डिजिट दो डिजिट है, 9 आप कितने डिजिट का ले लीजिए, 3 अंक 4 अंक 5 अंक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने ऐसे मल्टीपल 315 है या हम 999 से कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, जैसे 110 है 999, 110 है 4 times 9, ऐसा नहीं। अंक अंक जिस नंबर को मल्टीपल कर रहे हैं 99 वगैरह से, तो उसमें जितना डिजिट है वो कम से कम उतना 9 उसमें होना चाहिए, उससे कम 9 नहीं हो सकता है। दोबारा देखें तो यदि मान लीजिए 125 को 999 से मल्टीपल करना है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे, एक नंबर कम कर लीजिए, 124 आ गया। अब इस 9 को इससे एक माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इस 9 को इसके साथ माइनस कीजिए, 7 आ रहा है। इस 9 को इसके साथ माइनस कर लीजिए, 5 आ रहा है। दोस्तों अभी तक अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1114 है मल्टीपल करना है 4 times 9। क्या करेंगे दोबारा बता दें, क्या करेंगे बच्चे, एक कम कर लीजिए, 1 1 3। तो इसको इससे मल्टीपल माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसको भी इससे माइनस कर लीजिएगा, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसको भी क्या करेंगे, इससे माइनस कर लीजिएगा, 8 आएगा। और इस 9 को 3 से माइनस कर लीजिएगा तो क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। मतलब कितने भी डिजिट का नंबर ले लीजिए, चुटकियों में निकल जाएगा, सेकंडों में निकल जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का ये फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट पार्ट लेकर आए, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट जरूर देखिएगा सिंप्लीफिकेशन के। मैक्सिमम जो एग्ज़ाम आजकल आ रहे हैं जिसमें हमारा सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, यदि आप सिंप्लीफिकेशन पर कवर कर लेते हैं तो कई कई मिनट आप बचा सकते हैं, जिससे हम कई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कंपटीशन वैसे भी दिन प्रतिदिन टफ से टफ होती जा रही है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हर उस पार्ट पर करना है जहाँ हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है, उस टाइम को मिनिमाइज करना है। दोस्तों एग्ज़ाम पास करना है का एक सटीक तरीका बता रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम है मैनेज, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अदरवाइज कई ऐसे बच्चे आते हैं जैसे बी है, बी टेक, एम टेक वगैरह कर रखे, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो नॉर्मल मेथड से आराम से 1 घंटे के क्वेश्चन 3 घंटे में कर सकता है, 1 घंटे के क्वेश्चन 2 घंटे में करते हैं। बहुत जीनियस बच्चे होते हैं, बीएससी मैथ्स कर रखे, एमएससी मैथमेटिक्स कर रखे, उनको मैथ्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसको नॉर्मल मेथड के लिए छोड़ दिया जाए तो आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन लेकिन क्या होगा, आज के एग्ज़ाम निकालने के लिए ये कोई सटीक तरीका नहीं है। चलिए दोस्तों और भी क्वेश्चन आगे के निकाल के देखते हैं। मान लीजिए हम लोग ऐसे नंबर ले लेते हैं, जैसे 1144 ले लिए, मल्टीपल करना है 99999, 5 times 9 मल्टीपल करेंगे। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में 1144 है, क्या करना है दोस्तों, एक कम करना है। मैंने क्या करा, इस नंबर में से एक कम कर लीजिएगा तो 1143 हो गए। आगे के प्रोसेस आप लोग जानते हैं, क्या करना है, इस 9 को इससे माइनस करना है, 8 लिखिएगा। इस 9 को इससे माइनस कर लीजिएगा, 8 लिखिएगा। इस 9 को, इसमें एक चीज़ और भी करना था दोस्तों, थोड़ी एक सेकंड के लिए आप देख लीजिए, इसमें डिजिट कितना है, 4, इसमें डिजिट कितना है, 5 है। तो हम लोग पहला क्या करते हैं, इसको ये नोट कर लीजिएगा, 5 है ना, तो 10 लगा लीजिएगा जरूर, क्योंकि जितना अंक 9 में है उतना इसमें चाहिए, जितना कम पड़ जाए उतना 0 लगाते, ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। दोबारा देखते हैं, 9 को 0 से माइनस कर लीजिए, 9 आएगा। 9 को 1 से माइनस कर लीजिए, 8 आएगा। 9 को 1 से कर लीजिए, 8 आएगा। 9 को 4 से कर लीजिए, 5 आएगा। 9 को 3 से कर लीजिए, कितना आएगा हमारा, 6 आएगा। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का लिमिटेशन क्या है इस मेथड का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी दोस्तों ऐसे नहीं करना है, जैसे हमारा सिक्स ऐसे है हमारा इससे करना है, तो ये वाला रूल प्लीज़ इसमें नहीं लगेगा। मतलब 9 की जो संख्या है वो कम नहीं होनी चाहिए। ये से ऐसे कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का, 3 2 अंक 3 अंक 4 अंक 4 अंकों का, 3 से 4 से 5 अंकों का 4 से 3, ऐसी तमाम क्वेश्चन सुपर फास्ट मेथड हम अगले पार्ट्स में लेकर आएंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वीडियो हम लेकर आएंगे सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, मान लीजिए 11
इंटू करना है मुझे 9999 6 है, और इसमें नंबर देखिए 5 नंबर है। क्या करना है दोस्तों, पहले एक नंबर कम कर लीजिएगा, 43 आ गया। इसमें हमारा 6 डिजिट है, इसमें 5 है, तो एक जीरो डाल दीजिए। अब करना क्या है, आपको बता रखा है हमने, इस 9 को इससे माइनस कर लीजिएगा, पहले कितना आएगा 9 आएगा, इसको फिर से इससे माइनस कीजिए 9 आएगा, फिर इस 9 को इससे माइनस कीजिएगा, सॉरी इस 9 को 0 से करेंगे तो कितना 9 आएगा, 9 को 1 से माइनस कर लीजिए 8 आएगा, 9 इस 9 को 1 से माइनस कर लीजिए 8 आएगा, और 9 को हम 4 से करेंगे तो 5 आएगा, 9 को फिर से 4 करेंगे तो 5 आएगा, और 9 को यदि 3 से करेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के सेकंडों में कर सकते हैं। यदि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा से क्लियर हो गया तो कमेंट में प्लीज़ आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कमेंट में करके दीजिएगा। यदि आप कोई कन्फ्यूजन होता है तब भी कमेंट कीजिएगा, यदि क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइएगा प्लीज़। जैसे देखिए इंटू है हमारा, पहला क्वेश्चन ये है जो कमेंट में सॉल्व करके आप दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2344 इंटू है 99999, 5 टाइम्स 9 है। तीसरा क्वेश्चन आपको लेना है 4 5 6 है, मल्टीपल करना है 2 4 6। तो ऐसे ये तीनों क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके दीजिएगा, जिससे ये लगेगा जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को समझ पाएँ, कॉन्सेप्ट को अच्छे से ऐसे ग्रास्प कर पाएँ। यदि कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं। आगे हम लोग आगे इसकी सेकेंड पार्ट ज़रूर लेकर आएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।